दोस्तों, लंबे समय के बाद संजय दत्त और रवीना टंडन की जोरदार केमिस्ट्री हमें घोड़ चढ़ी मूवी के अंदर दिखाई दे रही है। सो दोस्तों, फाइनली ये मूवी जियो सिनेमा के ऊपर स्ट्रीम हो चुकी है। तो दोस्तों, कैसी है ये मूवी, आइए डिटेल में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर देना। सो दोस्तों, ये कहानी है वीर शर्मा यानी संजय दत्त की, जिनके बेटे होते हैं पार्थ सामनाथ, और उनका लव इंटरेस्ट इस मूवी में दिखाया गया है देविका, जो कि बेटी होती है रवीना टंडन की, और इन दोनों का प्यार काफी ज्यादा परवान चढ़ जाता है। लेकिन इसी बीच यहां पर रवीना टंडन की मुलाकात हो जाती है संजय दत्त के साथ, जिनका कई लंबे अरसे के बाद इनका प्यार जो दबा हुआ था वो भी एक बार फिर परवान चढ़ने लग जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच में आ जाते हैं इन दोनों के बच्चे। अब क्या संजय दत्त और रवीना टंडन का प्यार परवान चढ़ पाएगा या नहीं, या इन दोनों के बच्चे इन दोनों के बीच में रुकावट पैदा करेंगे? तो दोस्तों, इस फिल्म के अंदर दो पीढ़ियों का प्यार दिखाया गया है। सो दोस्तों, ये सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स पूरा जानने के लिए आपको ये मूवी वॉच करना पड़ेगा। सो यार, अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पर संजय दत्त ने भाई साहब हमेशा की तरह बेहतरीन एक्टिंग की है और उनकी शख्सियत का रुआब इस फिल्म में पूरी तरीके से झलकता है। वहीं रवीना टंडन ने यार इस फिल्म के अंदर एक फ्रेशनेस लेके आती है, और साथ ही साथ उनका जो जिस तरह का चुलबुला कैरेक्टर है वो इस फिल्म में भी नजर आता है। पार्थ सामनाथ ने यहाँ पर अपना 100% दिया है, अच्छी एक्टिंग की है, और उनको फायदा मिला है टीवी शोज का, जहाँ पर उन्होंने एक्सपीरियंस करके अपनी एक्टिंग में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाया है। वहीं कुशाली कुमार ने भी अच्छा खासा रोल प्ले किया है और काफ़ी खूबसूरत भी लगी है। सो यार दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बिनोय गांधी ने, और उनका डायरेक्शन काफ़ी अच्छा है। सो दोस्तों, उन्होंने यार कहानी को अच्छी पकड़ बनाए रखी है फिल्म के अंदर, और मूवी को कहीं पर भी ढीला पड़ने नहीं दिया है। स्क्रीन प्ले इसका अच्छा है और फिल्म यार पूरी तरीके से फैमिली फ्रेंडली है। सो दोस्तों, आप इसको पूरे फैमिली के साथ वॉच कर सकते हो। सो दोस्तों, मैं दूंगा इस मूवी को 5 में से 3 स्टार। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखी है नहीं देखी इस मूवी को, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।